नमस्कार, मैं हूं सरता सिंह। आप देख रहे हैं पारदर्शी एक्सप्रेस न्यूज। आइए चलते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। छतरपुर में कंप्यूटर कोचिंग APLL सेंटर किशोर सागर तालाब के पास स्थित है। कोचिंग के कुछ छात्रों ने SDM कार्यालय में झूठा आवेदन दिया था। 1.5-2 साल उन छात्रों ने कंप्यूटर कोर्स किया था। उन बच्चों को किसी ने गलत समझाइश देकर SDM को झूठा आवेदन दिया था। जब मीडिया की बात APLL कोचिंग के संचालक सुरेंद्र यादव से हुई तो उन्होंने बताया, यह बच्चे हमारे यहाँ 2 साल से पढ़ रहे हैं। किसी ने उन बच्चों को गलत समझाइश, झूठी कहानी सुनाकर उनके अपने पैसे वापस दिलाने को लेकर आवेदन सौंपा गया था। जब पता चला बच्चों ने 2 साल कंप्यूटर कोर्स किया था तो पैसे किस बात के दिए जाए। सुरेंद्र यादव कोचिंग संचालक ने बताया कि बच्चों को झूठे बयान लिखाकर उनसे आवेदन दिलवाए गए। जी सर, बताएं क्या नाम है आपका? सर सुरेंद्र यादव नाम है मेरा। क्या क्या सब मैटर है लड़कियों द्वारा कोचिंग की जो छात्रा है जो ज्ञापन दिया हुआ है, इस बारे में क्या कैसा है? सर अपना कंप्यूटर कोचिंग चलता है जिसमें अपन 6 मंथ के हिसाब से क्लासेस वगैरह चलाते हैं, और मुझे छतरपुर में सर में चलाते चलाते तकरीबन 12 साल हो गया। प्रेजेंट टाइम पे अपने पास में 160 बच्चे हैं और वो लोग स्टडी कर रहे हैं। 6 मंथ का स्टडी कराते हैं हम लोग, बेसिक से एडवांस स्टडी होती है, देन 6 मंथ बाद एग्ज़ाम होकर उनको सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया जाता है। जिन बच्चों ने ज्ञापन दिया है वो भी बढ़िया छात्र रहे इधर में जब तक रहे, और आते थे, पढ़ाई लिखाई किया करते थे, मेहनती छात्र रहे। लेकिन ये अचानक से कहानी क्या हो गई मुझे तो इसके बारे में नहीं पता, लेकिन मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि उन बच्चों को कुछ और लोगों ने, ठीक है, थोड़ा सा बात आत करके कि आपका ऐसा करा देंगे, ज्ञापन दिला देंगे, तो वो थोड़ा सा षड्यंत्र वगैरह मिला के लोग बागों ने ज्ञापन दिलवाया है। और रही बात पैसा वगैरह वापसी की, तो मैं 6 मंथ का कोर्स कराता हूँ, ठीक है सर। उसमें कुछ बच्चे ऐसे हैं जो 2.5 साल के हैं, कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको 1 से 1.5 साल हो गया है। अब 1 से 1.5 साल हो गया है तो उन बच्चों का पैसा कैसे हो सकता है वापसी? तो ऐसा है सर, कुछ टर्म्स ऑफ कंडीशन रहती हैं क्या? हाँ सर, कंडीशन वगैरह रहता है कि मान लेते हैं अगर किसी बच्चे का एडमिशन वगैरह होता है तो उसे डायरेक्ट एडमिशन नहीं दिया जाता है। सबसे पहले उसका क्षमता दिया देखा जाता है कि 10th 12th का परसेंटेज वगैरह कैसा है, देन उसको समझा जाता है कि जिस कोर्स के काबिल है या नहीं है, ठीक है। मान लेते किसी को एक बड़ा कोर्स आता है कि मैं बड़ा कोर्स करूँगा, लेकिन हमें लगता है कि उसके लिए डिज़र्व नहीं करता, हम छोटा कोर्स भी करा देते हैं। अब 18,800 रुपये जो उन्होंने कोर्स चुना था वो स्मार्ट कॉमर्स है, बेसिक से एडवांस स्टडी उसमें होती है। इसके बाद में जब सिलेक्शन वगैरह होता है, हर संस्था का एक प्रोसीजर होता है, और उसमें वो लोग जब निकल जाता है तो परिवार वेरिफिकेशन होता है, क्योंकि मान लेते हैं बच्चा पता नहीं कहाँ से पैसा लेके आ जाता है, तो माता पिता को बुला के माता पिता की सहमति के द्वारा एक एप्लीकेशन लिखवाई जाती है जिसमें वो लोग को सब कुछ बता के कि इतना फीस है, आप ये कोर्स कर रहे हो, इतने महीने का है, और ये पैसा मैं स्वयं जमा कर रही हूँ, अगर मेरा निर्णय बदलता है तो ये खुद मुझे मान्य होगा, मेरा पैसा वापसी नहीं किया जाएगा, ये सारा कंडीशन टर्म लगाई जाती है उसमें।